ना कोई घोटाला ना कोई अपराध, फिर भी गांव वालों ने अपने ही उप सरपंच को गधे पर उल्टा बैठा कर पूरे गांव में घुमाया। रतलाम जिले के एक गांव में गांव के ही कुछ लोगों द्वारा एक आदमी को गधे पर उल्टे मुंह सवार कर दिया। माजरा क्या है, आइए जानते हैं इस खास खबर में। गधे पर बैठे हुए जिस आदमी को देख रहे हैं वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ उसी गांव का उपसरपंच है। आप सोच रहे होंगे कि जरूर उपसरपंच ने घोटाला या फिर कोई अपराध किया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह सब जो हुआ उपसरपंच की सहमति से हुआ है। दरअसल रतलाम जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव धराड़ में इस वर्ष बारिश अच्छी नहीं होने पर किया गया है। मालवा के कुछ किसानों की ऐसी सोच है कि गांव में जनप्रतिनिधि को गधे पर उल्टा बिठाकर अगर गांव की गलियों में घुमाया जाए तो बारिश और फसल दोनों अच्छी होती है। ये गांव धराड़ वालों ने अच्छी बारिश के लिए गांव वालों ने मिल करके एक ये शुगल किया, और ये तंत्र और मंत्र जो उसमें भी इसमें जोड़ा जा सकता है, तो अच्छी बारिश के लिए और अच्छी फसल पकने के लिए ये काम किया और ये सराहनीय है। अच्छी क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है इसमें? उसे गांव के वरिष्ठ में व्यक्ति वरिष्ठ ना होते हुए भी अच्छे पद पर बैठा होता तो उसको भी वरिष्ठ व्यक्ति मान के उसको गधे पर उसको उल्टा बिठा करके, अभी अलबत्ता उसको तो काला मुंह करके बिठाया जाता है और वो सब लोग उसको अच्छे में लेते हैं, अच्छा सोच होता है लोगों का भी, उसमें खुश होते हैं लोग, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी लोगों को भी थोड़ा जागरूकता के लिए बहुत अच्छी सालों से होता है, कई सालों से परंपरा चली आ रही है। क्या आपकी उम्र इतनी हो गई, आपने देखा कभी ये करने के बाद बारिश होती है? हाँ, अमूमन होती रहती है। देखो ये क्या है, विश्वास करेंगे तो फल जरूर मिलता रहता है, ऐसा हमारा भी मानना है और ऐसे हमारे बुजुर्गों का भी, पूर्वजों का भी ऐसा कहना है। रतलाम जिले के अधिकांश गांवों में सोयाबीन की फसलें लगभग 30 दिन की होने आई हैं और कुछ ही दिनों में अब यह फूल आने शुरू हो जाएंगे। धराव गांव में अब तक बारिश नहीं हुई जिस कारण अब फसलों में नुकसान होने लगा है। उसी को देखते हुए गांव के कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक पारंपरिक टोटके का सहारा लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के लिए यह टोटका कई वर्षों से करते आ रहे हैं। गांव धराड़ के अच्छी बारिश के लिए उपसरपंच मनोज राठौर को गधे में उल्टा बैठा कर गांव में घुमाते हुए शमशान घाट तक ले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यह दृश्य देखने के लिए जुट गए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से टोटके अक्सर किए जाते हैं। इसके पीछे एक पुरानी परंपरा है कि गांव में एक बारिश के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। इस परंपरा को निभाते हुए उप सरपंच को गधे पे बिठा के घुमाया गया जिससे इस परंपरा का पालन भी हो सके और बारिश की जो लंबी एक खेच हो गई है। प्रक्रिया रहती है, कहाँ से गधे बिठाते हैं, फिर कितना घुमाते, कहाँ छोड़ के आते हैं? ये गांव का भ्रमण करते हुए ये सब शमशान घाट तक घुमाया जाता है और इस परंपरा को पूरी सिद्धो सहज से निभाया जाता है। गांव के अच्छे लोग एकत्रित होके इस परंपरा को निभाया जाए। अच्छा, हर सालों से प्रक्रिया चल रही है तो क्या ये करने के बाद पानी आता है? हाँ, जहाँ तक अनुमान है कि इस परंपरा को निभाने के बाद जो पानी एक लंबे समय से नहीं आ रहा है वो आने लगे।